जो कार्बन डेटिंग या लेबोरेटरी टेस्टिंग उसके मुताबिक ये 1100 साल वाला फोर्ट है। वेल बिल्ट फोर्ट जिसकी जबानी तारीख के हिसाब से 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से 800 साल। इलते बिलते दो तिब्बतन वर्ड्स हैं जिसके मानी उस तरफ इस तरफ अप एंड डाउन। इलते बनते बनते इस गांव का नाम अलकित है, बिलते बनते बनते उस गांव का नाम अलकित, जिसे आजकल करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुजर की शाही फैमिली में से एक शाहजादे ने शिगर से एक शाहजादी जिसका नाम शीर खातून था ब्याह करके थोदा। हिस्पर ग्लेशियर इस साइड पे दो पहाड़ों के बीच में हिस्पर वैली भी है जो ऊंचाई के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ऊंचाई पे, और हिस्पर ग्लेशियर ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया तो उन्होंने देखा ना कोई फोर्ट ना कैसल ना वेला कोई शाही फैमिली। उसने अपने अबू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर जिस छोटी रियासत के अंदर ब्याह हुई है हर तरह से गुर्बत का आलम है, कम से कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करें। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है गनिश बल्ती तालतीत यहाँ पे कई अरसे तक रहे, फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी एज ए गिफ्ट एज ए जहेज में ये मकान तैयार किया गया। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे, लास्ट में अलतीत फोर्ट वजूद में आए। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों के इख्तदार की जंग, बड़ा बेचारा था रियासत हमजा का नवाब बने, छोटा भी शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े भाई को मिलना था, बड़े ने छोटे को समझाने के बावजूद बाज नहीं आया। फिर बड़े ने छोटे को यहाँ पे पहले कमरे में इसे जिंदा गाड़ दिया। खड़ी कब्र है जो आपको दिखा देता हूँ जी, दरवाजे इंतहाई छोटे हैं तो सर का ख्याल रखें। कचरा ये डस्टबिन है लोकल बास्केट, इसमें डाल दीजिए जो भी कार्ड वट एवर टीन जो भी आपके हाथ में होगा वापसी इसी में डाल दीजिए। ऊपर वो पानी पी के फिर बोतल फेंक देते हैं, यहाँ पे ये कल्चर नहीं है। सॉरी आज ड्रेस स्टेट्स ले गए थे इनको भी स्प्लाइस कर लिया था, जिस तरह बलोचिस्तान बावलपुर कालाबाग। जिन जो नीचे भी दिखाया था ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा ना करे, उस जमाने में टैक्स गोट शीप या वीट हुआ करता था, न देने की सूरत में उनको रख के दरवाजा बंद करते थे और जैसे मान जाए उनको बाहर निकालते थे। और ये स्केप रूम के हवाले से मशहूर है, खुदा ने खासा इस फोर्ट पे कोई अटैकर्स अटैक करने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता जो अब बंद कर दिया गया छोटा सा। और आजकल के जमाने में जो बीवी की बातें ना माने उनके लिए बनी है सर। और भी तो उस जमाने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे वाम नाच गाना करते हुए इंट्रेंस तक, इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गोन पहन के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस ऊपर छत यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पर सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके वहां पेंटिंग।